हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल व यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसे मतलब कि लॉक कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक वो वाला नहीं जो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, पैटर्न लॉक या पिन लॉक लग जाता है, उस तरह का नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा लॉक लगेगा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर क्लिक करेंगे लेकिन स्क्रीन नहीं क्लिक होगी, ठीक है। वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन स्क्रीन जो है जलती रहेगी, उसकी लाइट्स ऑन होगी, बिल्कुल जैसे हमारा फ़ोन होता है वैसे नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, किसी भी ऐप को अगर ओपन करेंगे, तो ऐप ओपन ही नहीं होगा, हमारी स्क्रीन नहीं काम करेगी। बस ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी स्क्रीन डैमेज हो चुकी है, ठीक है, वो स्क्रीन काम नहीं कर रही है, तो इसी तरह से कुछ आएगा। लेकिन अगर आप उसे सही करना चाहेंगे तो डबल टैप करना पड़ेगा एक जगह पे, जहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर अगर आप डबल टैप करते हैं अपने फ़ोन में तो आपकी स्क्रीन नॉर्मली चलने लगेगी। और अगर आपको फिर से अपना जो स्क्रीन लॉक करना है उसी तरह से जो डैमेज वाला है, मतलब कि स्क्रीन एकदम काम करना बंद कर देगी, तो फिर से आपको वहीं पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बार में एक ऐप होगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर जो है अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो कि आपको दिखा देता हूँ, आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से मतलब कैसे लॉक कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक हो जाएगी पूरी, अगर किसी को फ़ोन दे दे तो वहाँ पर वो स्क्रीन पे अगर क्लिक करेगा तो आपके स्क्रीन में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगा, कुछ कहीं भी कुछ भी क्लिक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी, जो एप्लीकेशन है डबल सॉरी टच लॉकर, और इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर जो कि आपको यहां पर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर जो कि आपको थोड़ी देर सिर्फ वेट करना होता है बस। उसके बाद यहां पर ये समझा देगा कि आपको कि किस तरह से इसे इनेबल करना है। तो जैसे कि अभी आपको बैक आ जाना अपने होम स्क्रीन पे, जहां पर भी अगर आप चाहते कि यहां से जो कि स्क्रीन नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, वहां पर उसके बाद कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए आपके स्क्रीन में, तो अगर आप होम पेज पर आकर के यहाँ पर इसे अगर क्लिक करके यहाँ पर आप डबल टैप कर देते हैं इस पर, तो क्या होगा कि आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है कि पूरी तरीके से लॉक कर दी जाएगी। अभी लॉक हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी अभी ये इनेबल हुई है, हमें लॉक करना है। इसी पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखते हैं लॉक हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है कि हमारी जो स्क्रीन है लॉक हो चुकी है। उसके बाद अगर इसे हमें अनलॉक करना तो कैसे होगा, यहाँ पर आप देखते हैं, मैं कहीं पर भी कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जो है कि कुछ भी नहीं हो रहा यार। यहाँ पर आप देखते हैं एक लॉक सा आ रहा है और एक सर्कल आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। तो अभी अगर मुझे इसे हटाना है तो अब कैसे हटाऊँगा, तो सबसे पहले आपको जो है कि इसी यहाँ पर आप देखेंगे जो एक फिंगर से आइकन है, यहाँ पर आपको डबल टैप करना फटाफट से, मतलब तुरंत ही कर देना है, ठीक है, डबल टैप करना है और उसके बाद आपका फ़ोन नॉर्मली चलने लगेगा पहले जैसे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने समझाया अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चल पाए पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कर देना, प्रेस किया जाने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके।